दोस्तों, जैसे इंडिया में रो, इसराइल में मोशाद और अमेरिका में CIA, वैसे ही रशिया में एक इंटेलिजेंट एजेंसी है जो दुनिया के सबसे खतरनाक में से एक मानी जाती है। और ये एक ऐसे ही अंडरकवर एजेंट की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में हम KGB हेड वेस्ले को देखते हैं, जिसके कहने पर रूस में कई एजेंटों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, एक खौफनाक संदेश के रूप में सभी एजेंटों के सिर को काटकर कुरियर द्वारा अमेरिकी एजेंसी में भेजा गया। फिल्म में दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम नाम के एक आदमी को, जो अपनी पेरिस की मॉडलिंग एजेंसी के लिए मॉडल की तलाश कर रहा है। फिर वो एक लोक्सो के एक लोकल मार्केट में जाता है, जहां वे एना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो खिलौने बेच रही है। सैम उसे मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हारा सारा खर्चा एजेंसी उठाएगी। फिर कुछ सोचने के बाद वह मान जाती है। अगले दिन वह पेरिस जाती है, जहां वह मॉडलिंग एजेंसी के बॉस जॉन से मिलती है। और दूसरे दिन उसे बिना किसी एक्सपीरियंस के मॉडलिंग के लिए भेज दिया गया, जहां उसे पोज देने और चेहरे के भाव को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन तेजी से वह इस काम को सीख रही है। एक दिन एजेंसी का बॉस एक पार्टी रखता है। इसी दौरान जॉन एना को ओलेग नाम के एक आदमी से मिलवाता है। ओलेग एना को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और वह उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है और वह मान जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं दोनों को एक आलिशान होटल के रूम में, और वो दोनों काफी क्लोज हैं। ओलेग उसके और करीब जाना चाहता है, पर एना उसे यह कहकर रोक लेती है कि मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ कि तुम क्या करते हो। ओलेग कहता है कि वो ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए युद्धग्रस्त देशों को हथियार की स्मगलिंग करता है। और इतनी जानकारी लेने के बाद एना बाथरूम में जाती है और अपने कपड़ों में से माइक निकालती है और एक साइलेंसर वाली गन उस पर तान देती है। अब यहाँ से एना की 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ होती है, जो उसके बुरे बर्ताव को सहन कर रही है। उसे विदेशियों के क्रेडिट कार्ड से पैसा चुराने के लिए भी मजबूर किया जाता है और वह इनकार करे तो उसे पीटा जाता है। और इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। अपनी आज़ादी के लिए एना रूसी सेना में शामिल होने के लिए कई फॉर्म सबमिट करा चुकी है, जिसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। एक रात जब पीटर और उसके साथ एक अमेरिकी आदमी को कार्ड का पिन ना देने के लिए उसे खूब पीटते हैं, लेकिन तभी पुलिस उन्हें देख लेती है। पुलिस से पीछे छुड़वाने के लिए पीट मॉस्को की सड़कों पर पागलों की तरह ड्राइव करता है और कुछ ही देर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और कार पलट जाती है। और पुलिस के आने से पहले वह बच के भाग निकलते हैं। वो दोनों जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। घर लौटने पर एना देखती है कि एक आदमी दरवाजे के पीछे उनके आने का इंतजार कर रहा था, जिसका नाम है एलेक, जो केविस का एक सीक्रेट एजेंट है। तभी वह गन में साइलेंसर लगाता है और पीटर की हत्या कर देता है। इतना गंभीर नजारा होने के बावजूद एना कोई रिएक्ट नहीं करती, जिससे वह एजेंट काफी प्रभावित होता है। यह ऐसा लगता है कि एलेक्स एना के बारे में सब कुछ जानता हो। वह उसे KGB एजेंट बनकर काम करने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम्हें 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारे साथ 4 साल काम करना है। पहले तो एना को यह एक ट्रैप लगता है और एलेक्स की ऑफर को रिजेक्ट करके वो खुद के हाथ को काट लेती है। जैसे जैसे खून बहता जाता है, एना बेहोश होने लगती है। तभी एलेक्स उसे खुद पर यकीन करने के लिए कहता है और एना मान लेती है, जिससे वह बहते हुए खून रोक लेती है। अब 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एलेक्स एना को टीम के हेड ओल्गा से मिलवाता है। पहले तो वो एना को अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हिचकिचा जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि एना सिर्फ एक सुंदर चेहरा है और कुछ नहीं। हालांकि एना अपनी तेज बुद्धि और शतरंज में मूव से ओलेगा को तेजी से प्रभावित करती है, जिससे ओलेगा एना को एक मिशन देती है, जिसमें 5 मिनट के अंदर कैफे में बैठे एक रूसी ड्रग माफिया को खत्म करना होगा। अब एना कैफे में जाती है। इस ड्रग माफिया के कितने बॉडीगार्ड हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वह सीधा जाकर ड्रग माफिया पर गन तान देती है। वह शूट करती है पर गन खाली निकलती है। बाद में उसके गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं। और इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद एना भी एक मजबूत फाइटर बन चुकी है। वह सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा देती है। तभी ड्रग माफिया पीछे एना के सिर पर वार करता है और एना के गिरते ही वह उसका गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी एना पास में पड़े एक कांटा चम्मच से उस पर इतने वार करती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतना सब करने के बाद भी 5 से ऊपर 1 मिनट जितना ज्यादा टाइम लगता है, जिससे ओलेगा उसके मिशन को फेल बताती है। फिर वह एना के बोलने के बाद एना को एक चांस देना चाहती है। फिर उसे एक मकान अलॉट होता है और जाने से पहले अगले टारगेट से जुड़ी कई फाइलें देती है और इसको विस्तार से समझने के लिए कहती है। अब एक मिशन का दिन आता है, जिसमें वेपन डीलर ओलेग को मारना है। अब कहानी के प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहां एना उसके सामने गन तान कर खड़ी है और उसे मार देती है।
शब्दों से यहाँ पता चलता है कि पेरिस में मॉडलिंग करने जाना उसके प्लान का भी एक हिस्सा ही होता है। एना जानबूझकर लोकल मार्केट में तैनात थी ताकि वह सैम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह पेरिस जाती है, मॉडल के रूप में एक नए करियर की शुरुआत करती है और तो और संदेह से बचने के लिए ओलेग के साथ रिश्ते भी बनाती है और मौका पाकर उसे मार देती है। एना ने होटल सिक्योरिटी से बचने के लिए डबल बॉडी का इस्तेमाल किया था। अब ओलेग की हत्या के संबंध में लैनी मिलर नाम का FBI एजेंट एना से पूछताछ करने आता है। जवाब में एना कहती है कि वह वास्तव में होटल गई थी, जैसे कि स्ट्रीट फुटेज में कैमरे में दिखाई देता है, पर वह कहती है कि वो लाउच में ही ओलेग का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नीचे नहीं आया। CIA के पास एना के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। अगले दिन एना अपने मिशन कंप्लीट करके मॉक्सो लौट जाती है। काफी समय के बाद वह एलेक्स से मिलती है और वो भी अब काफी क्लोज है। अगले दिन ओलेगा, एलेक्स और एना KGB हेड वेस्ली से मिलते हैं। वेस्ली 4 साल बाद एना को आजाद कर देने के समझौते से इंकार कर देता है। जब एना इस मुद्दे पर जोर डालती है तो वह उसे बंदूक की नोक पर ले आता है और कहता है कि आजादी पाने का एकमात्र रास्ता मौत है। यहाँ ओलेगा और एलेक्स भी वेस्ली के सामने एक शब्द नहीं बोल पाते। निराश होकर एना पेरिस लौट आती है और फिर से मॉडलिंग के काम पर फोकस करती है। कुछ दिनों के बाद ओलेगा एना को अगले मिशन के लिए बुलाती है और उनका अगला टारगेट है मार्टिन नाम का एक व्यक्ति जो होटल के कमरे में एक मॉडल को अवेट कर रहा है। लेडी ओल्गा उसे बताती है कि कमरे में कोई कैमरा नहीं है और ना तो कोई सुनने का उपकरण है, इसके लिए तुम्हें बैकअप सपोर्ट नहीं मिलेगा, यह काम तुम्हें अकेले ही करना है। थोड़ी देर के बाद एना एक्सपर्ट के रूप में कमरे में दाखिल होती है। वह वॉशरूम का बहाना बनाकर मार्टिन को एक मिनट के लिए रुकने के लिए कहती है। अंदर जाकर वह अपनी बंदूक निकालती है, साइलेंसर लगाती है और उसे शूट करती है। इसके बाद में मार्टिन का सूटकेस लेकर उसे होटल के दूसरे कमरे में ओलेगा के पास लौट आती है। पर यहाँ ओलेगा एना के काम से संतुष्ट नहीं दिख रही थी क्योंकि उसे यह काम तमाम करने के लिए 12 मिनट जितना समय लगा, जो आमतौर पर लगने वाले समय से काफी अधिक था। यहाँ एना को हत्या करने के लिए 12 मिनट का समय क्यों लग रहा, वह हमें आगे पता चल जाएगा। अब एना ओलेगा की बातें सुनकर रोने लगती है और उसे पूछती है कि और कितने लोगों को मारना होगा। उसके हताशा को देखते हुए ओलेगा उसे एक वीक की छुट्टी देने के लिए कहती है। छुट्टी से लौटने के बाद एना फ्रेश मूड से काम पर लौट आती है। इस दिन के बाद से एना कई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देती है जिससे ओलेगा काफी प्रभावित होती है। साथ ही वह अपने मॉडलिंग करियर में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इधर KBG हेड वेस्ली भी एना के काम से काफी खुश है। वह उसे मिलने के लिए मॉस्को आने के लिए कहता है। एना वेस्ली से मिलती है जहाँ दोनों चेस खेलते हैं और बातचीत करते हैं, पर पास में बैठा हुआ एलेक्स टेबल के नीचे एना के हाथों की हरकतों को नोटिस करता है। तभी एना टेबल के नीचे बंदूक निकालकर वेस्ली के सिर पर गोली मार देती है। फिर यहाँ से 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जब एना को मार्टिन को मारने का काम सौंपा गया था। उस दिन जब वह बंदूक के साथ बाथरूम से बाहर निकली थी तो CIA एजेंट लैनी मिलर और उसकी टीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके हाथों में हथकड़ी लगाते लैनी मिलर उसे डबल एजेंट के रूप में काम करने का ऑफर देता है और सिर्फ 1 साल काम के बदले उसे घूमने फिरने की आज़ादी और सुरक्षित जीवन देने का वादा करता है। एना के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मिलर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जॉन से पहले एना पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो लैनी मिलर जवाब देता है, मैंने तुम्हारे बैग पकड़ने के तरीके को पहचान लिया। इसी वजह उस टाइम एना को हत्या करके वापस ओलेगा की रिपोर्ट करने में 12 मिनट का समय लगा। अब CIA के लिए काम करने के लिए लैनी मिलर एना से मिलता है और KGB हेड वेस्ली को मारने के लिए कहता है और कहता है कि वो KGB और CIA के बीच सम्मानजनक रिश्ते को खतरे में डाल रहा है और वह ये भी कहता है कि वेस्ली ने अमेरिका के 9 अंडरकवर एजेंट को मार डाला था और उनके सिर को काटकर अमेरिकी दूतावास में पार्सल करवाया था, जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ एना ने वेस्ली को गोली मार दिया था, जिसकी हत्या करने के बाद एना एलेक्स को बंदूक के नोक पर ले लेती है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। बाद में एना वेस्ली के कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी डाटा को कॉपी कर लेती है और चली जाती है। एलेक्स बेहोशी के हाल में भी डेस्क के नीचे के इमरजेंसी स्विच को ऑन करने में कामयाब रहता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बच जाता। हालांकि एना एक ट्रेन एजेंट होने के नाते अपने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को मार देती है। इसके बावजूद वह मिलर कार में इसका इंतजार कर रहा है, वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मिलर ये सोचता है कि एना ने उसे धोखा दिया है।
ये समझकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिलर वापस न्यूयॉर्क चला जाता है, जहाँ उसे वेस्ली को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए सम्मानित किया जाता है। एक दिन अपने ऑफिस में रहते हुए मिलर को एना से संदेश मिलता है, जिससे वो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। इधर एलेक्स को भी एना ने उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। कुछ ही देर बाद एना उस जगह पर आती है और दोनों पुरुषों को गिफ्ट देती है। इससे पता चलता है कि उसे जानबूझकर इन दोनों के साथ मीटिंग फिक्स की थी और वो सारी जानकारी लौटा देती है जो इसने पहले चुराई थी। हालांकि वह कहती है कि इसकी एक कॉपी वो अपने पास रखेगी, अगर कोई पार्टी उसे धोखा देगा तो वो उसका खुलासा कर देगी। अपने डाटा की वापसी को स्वीकार करके मिलर और एलेक्स एना को आजादी की ओर जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन वह नहीं जानते हैं कि ओल्गा अभी भी उसकी निगरानी कर रही है। एना की मीटिंग से निकलने के तुरंत बाद ओल्गा उसे केजीबी को धोखा देने के लिए गोली मार देती है। अब यहाँ से 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ओल्गा बताती है कि वह जानती है कि उस दिन 12 मिनट की देरी क्यों हुई थी। वह कहती है कि तुम्हें CIA एजेंट मिलर ने पकड़ लिया था, तो एना कहती है कि वहाँ कैमरा नहीं था तो तुमने कैसे पता लगाया। तो ओल्गा कहती है कि मैंने तुम्हारे हाथ में हथकड़ी के निशान देखे थे। इसके बावजूद ओल्गा ने उसे कहा कि वह जो कहे वही करे, तुमको वेस्ले को मारने की इजाजत मिल गई थी। इस निर्णय के पीछे ओल्गा का भी एक निजी मकसद था कि वो वेस्ले के पोस्ट को पाना चाहती थी। बाद में पता चला कि ओल्गा द्वारा पार्क में एना को गोली मारने का एक नाटक रचाया गया था। एना ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। उन्होंने तुरंत उसकी मौत को नाटक करने के लिए एक बॉडी का इस्तेमाल किया, जबकि असली एना शिवर से निकल जाती है, अपने कपड़े बदलती है और भीड़ में गायब हो जाती है। इस घटना के बाद ओल्गा को वेस्ली के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। जैसे ही वह अपना कंप्यूटर ऑन करती है तो उसे एना के डेटा बेस से एक वीडियो मिलता है, जिसमें वह ओल्गा के प्रति अपना शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वह यह बताती है कि उसने उनकी आखिरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। ओल्गा मुस्कुराती है और फिर एना का आखिरी वीडियो और KGB डेटाबेस से उसकी पहचान मिटा देती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।